अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, ऑटोकैड में मज़ीद काम आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास में कुछ मज़ेदार फीचर्स के ऊपर भी काम करना चाहूँगा। मैं लाइन पर क्लिक करता हूँ। लाइन को मैंने यहाँ पर ड्रा किया, यूँ ड्रा कर लिया मैंने, या मैं बल्कि इसे मैं डिलीट करता हूँ। मैं सिंपल मैं एक ही लाइन रखता हूँ, और इस लाइन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन के ऊपर ए प्रेस करता हूँ, स्पेस लगा देता हूँ, यानी कि आर्क। पहला पॉइंट बताया मैंने, फिर मैंने एंड पॉइंट बता दिया। अब मुझे इसे बताना होगा कि मुझे कितनी डिग्री पे इसे रखना है। तो मैं इसे बोलता हूँ जनाब बस स्पेस, ओ दिस इज़ टू मच। चले यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, कम ऑन गेट द क्लिक। ठीक है, ये मैंने ऐसी शेप बना ली, ठीक है, आर्क बना लिया मैंने। अब मज़ीद मैं क्या करूँगा, आगे मैं क्या करूँगा, सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं एल ई एन प्रेस करता हूँ, एल ई एन लेंथ, या तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें, ये भी लेंथन है, लेंथन यानी लेंथन, यहाँ पे आप क्लिक कर दें, या फिर आप एल ई एन प्रेस कर दें, एल ई एन, ये लेंथन की कमांड एक्टिव हो जाएगी, लेंथन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है आपने, उसके बाद आपको साइज़ देते हैं, तो परसेंट में, डायनामिक में, या टोटल में, ठीक है ना। मुख्तलिफ वेज हैं आपके पास, जैसे कि मैंने अगर टोटल चूज़ कर लिया, सो टोटल मुझे इसका साइज़ क्या देना है, इस लेंथ का साइज़ क्या हो जाए, रिसेंटली क्या साइज़ है, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। डी ए एल इंटर, वन क्लिक एंड द सेकेंड क्लिक एंड देन ओ, बहुत छोटी हमने बना ली है, तो तकरीबन एक इंच का भी हमने अपने जो ऑब्जेक्ट बनाया एक इंच का भी नहीं है। सो मैं वैसे इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है ना, और इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से मैं इधर आता हूँ, आई स्पेस, उसके बाद मैंने एल प्रेस किया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ओहो टू मच, एल प्रेस किया, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, अभी भी ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा और जूम करते हैं, जूम इन करते हैं, ठीक है। एल प्रेस किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये देखिए मैं 10 फीट बना लेता हूँ, 10 फीट इंटर। अभी थोड़ा सा ये 10 फीट की हमारे पास ये लाइन आ गई, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेकेंडली मैं दोबारा ए प्रेस करता हूँ, स्पेस, वन टू एंड थ्री। एक तरीका ये भी होता है, पहला एक यहाँ का पॉइंट बताएं, दूसरे में आप आर्क बता दें, तीसरे में आप इसको उसका जो फासला है वो बता दें, ये भी तरीका सही है, ठीक है ना, सिंपल है ये भी। ये सिंपल आर्क आप इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हो। डिलीट करके दोबारा बताता हूँ, आप आर्क पे क्लिक करो और ये ए प्रेस कर दो, एक क्लिक यहाँ करो, अगला क्लिक वहाँ करो जहाँ से आपने मोल्डिंग करनी है, और उसके बाद ये लास्ट पॉइंट आप इसे बता दो, एक तरीका ये भी है, दिस इज़ नॉट अ बैड वे बाय द वे। अब इस तरीके से क्या होता है, देखें दोनों पॉइंट्स इसे मिल जाते हैं नीचे वाली लाइन से ना। तो अब अच्छा मैं आगे क्या करूँगा, एल ई एन प्रेस किया मैंने, या फिर लेंथन पे क्लिक कर दिया, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जाए लेंथन ये रहा आपके पास। अब क्या करेंगे, एल ई एन, सॉरी अगेन इंटर, उसके बाद देखिए टोटल सेलेक्ट है, इस वक्त टोटल क्लिक कर दें या फिर आप किसी और पे क्लिक कर दें। टोटल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, मैं कहता हूँ टोटल जो साइज़ होता है 20 फीट हो जाए, 20 फीट मैंने लिखा, एंटर कर दिया। अपने ऑब्जेक्ट को इसे या इसे सेलेक्ट करना होगा, मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, इंटर, ये मेरे पास आ गया। अब ज़रा मैं इसका साइज़ नाप लेता हूँ, डी ए एल इंटर, उसके बाद देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो देखें ये एक्चुअल 20 फीट हमारे पास साइज़ हो चुका है, ठीक है ना। अब 20 फीट बढ़ा नहीं है, टोटल साइज़ ही 20 फीट हो गया है। अगेन मैं एल ई एन प्रेस करता हूँ, इंटर, इससे मतलब साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। टोटल पे क्लिक करके मैं लिखता हूँ 12 फिट, फिट के लिए साइन लगा दिया मैंने सेमी कॉलन और इंटर कर दिया। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, ये 12 फिट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से इसको भी, इसका भी साइज़ आप इसी तरीके से दे सकते हैं, इसको भी आप मेजर कर सकते हैं। अब एलियन दोबारा मैं प्रेस करता हूँ, इंटर करता हूँ, ठीक है। परसेंट में साइज़ देने का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपने इधर दे दिया 200% और आपने इंटर कर दिया, कोई साइन आपने नहीं लगाया, सिंपली आप अपनी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, वो 200% बड़ा हो जाएगा, 100 तो ऑलरेडी है ना वो, लेकिन 200 हो जाएगा। अब देखिए, अब अगेन क्लिक करें, मज़ीद 200 होता चला जाएगा वो, ठीक है, देखिए ये मज़ीद 200 होता चला जाएगा, जितना साइज होगा उसका डबल होता चला जाएगा, बहुत सिंपल से लॉजिक है ये, ठीक है ना। कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल जेड, पुरानी फॉर्म में वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये 20 फिट हो गया फिलहाल, बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। सो दोबारा मैं प्रेस करता हूँ, एल ई एन, इंटर कर देता हूँ, अब परसेंट में देता हूँ 50, अब 50% कम होता चला, एक मिनट, एल ई एन इंटर 50, और पहले देख लें परसेंटेज ही सेलेक्ट है, वरना तो परसेंट पे क्लिक करके आप 50 लिख दें, दिस इज़ नॉट अ बैड वे। परसेंट आपने लिखा, देखिए 50% माइनस होता चला जाएगा, ये 50 हो गया, अब ये मज़ीद 50 होता चला जाएगा, मज़ीद 50 होता चला जाएगा, मज़ीद 50 होता चला जाएगा, ठीक है। अब आप दोबारा लिखते हैं एल ई एन, इंटर कर देते हैं, 100 तो था ना, अब 200 आप कर दे ज़रा इसको, 100 अभी 50 था ना, आप 50 पे जा रहा था ना, अब आप एल ई एन प्रेस कर, इंटर करके 100 कर दें, इंटर, देखिए 100 से कुछ चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा 100, क्योंकि 100% तो जिसका एक्चुअल साइज़ है वो 100% ही होता है ना, उससे कम तो आपको पता है कि एक्चुअल जो 100 ही होता है ना, उससे कम ना ज़्यादा। अब आप कहते हैं 200%, इंटर कर देते हैं, देखें डबल होता चला जाएगा,
200 इंटर, एक मिनट, परसेंट 200 इंटर एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट इस, अच्छा जिस वे पे रखेंगे ना, दरमियान से, इसके दरमियान से अगर आप राइट पे रखेंगे तो राइट की जाने बढ़ेगा, दरमियान से अगर आप लेफ्ट की जाने आएंगे तो लेफ्ट की जाने बढ़ेगा, ठीक है ना, दरमियान बिल्कुल जो लाइन है ना आपकी, इसके सेंटर देखेंगे ये आपका सेंटर है, अगर सेंटर से आप इस तरफ को जाते हैं तो देखेंगे आपके पास लेफ्ट हैंड पर बढ़ेगा, और सेंटर से अगर आप राइट हैंड पर जाते हैं तो राइट हैंड की जाने बढ़ेगा ये, ठीक है ना, इस तरीके से बराबर हो गया लेंथन हमारे पास। अब जरा सा आर्क पे काम कर लेते हैं, मैं क्रिएट करता हूँ, एलियन प्रेस किया, एंटर कर दिया, अब ऐसे ही मैं इसकी साइजिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं जैसे अब मैं डायनामिक पे क्लिक करता हूँ, डायनामिक क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, डायनामिक नहीं मुतहरिक, जो भी आप चलते चलाते हैं इस तरीके से आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं आप, नहीं तो आप टैब लगा के भी दे सकते हैं, ठीक है ना, इसका एंगल भी दे सकते हैं आप टैब लगा के, और देखें लाइन का साइज़ आप कहते हैं जनाब कितना मजीद हो जाए, मजीद आप कितना दे रहे हैं, मजीद आप 10 फीट लगा देते हैं, और आपने वैल्यू दी, इसको एंगल दे दिया आपने 45 को, एंटर कर दिया, अच्छा एंगल हमारा अप्लाई नहीं हुआ, एंगल भी अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि वो ऊपर हमने दरअसल जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो यहीं तक था ना, अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का हमारा एंगल डिफाइंड होता तो हम इसको भी एंगल दे सकते थे। अच्छा बाय द वे जो हमने इसमें दरअसल सिर्फ लेंथ बढ़ानी थी ना, लेंथ हमने बढ़ा ली, अच्छा जी, तो इस तरीके से आप इसको डायनामिकली भी हैंडल कर सकते हो। अब दोबारा एलियन प्रेस किया, एंटर कर दिया, आपने डायनामिक पे क्लिक किया, इस पे एक मिनट, डायनामिक पे क्लिक किया, आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देखिए इसे भी आप डायनामिकली दे सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है बड़ा करना है, छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से, दोबारा सेलेक्ट करें और आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, पूरा घुमा के ला भी सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, एक मिनट, ओवर हो गया था गालिबन, देखिए इस तरीके से ये देखें, ठीक है, बहरहाल वो मुकम्मल कम्प्लीटली इस पॉइंट तक नहीं आ रहा, शायद एक दो पॉइंट का ऊपर नीचे हो जाता होगा जिसकी वजह से वो मिस हो रहा है। बाय द वे कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल जेड, इस तरीके से आप इसको इस पर भी काम कर सकते हैं। अगेन मैं एलियन प्रेस करता हूँ, इंटर करता हूँ, और अब की दफ़ा मैं डेल्टा पे क्लिक करता हूँ, डेल्टा पे क्लिक करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, और देखें जितना चौड़ा जितना बड़ा आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे ना, देखें इतना सा आपने बना लिया ना, उसके बाद आपने जो साइज़ बनाया था ना, देखें उसी उतना बड़ा होता चला जाएगा, जो साइज़ अभी आपने सेलेक्ट करके बनाया था ना उतना बड़ा होता चला जाएगा। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, डेल्टा पे एलियन प्रेस करके एंटर करेंगे, डी ई प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद अब या तो आप वैल्यू डिफाइन कर दें, या फिर आप जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप बता देते हैं इतना सा कर दिया आपने, अब चाहे तो इसको चूज़ कर लें, वही जो साइज आपने दिया था ना उस पर भी आएगा, उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ये देखें इस तरीके से, सिंपल सी बात है, दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, जो साइज़ आपने डिफाइन किया होगा ना वही साइज़ अप्लाई देखें होता चला जा रहा है। सो मेरे ख्याल में डेल्टा भी बहुत सिंपल है, कोई ऐसा इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन जब वो क्रॉसिंग हो रही होगी ना डेल्टा में, देखें अभी आप जरा आपको अंदाजा हो जाएगा, देखें मैं सिंपली बार बार क्लिक करता हूँ, ठीक है, और देखें जब ये क्रॉसिंग हो रही होगी ना यहाँ से, तो उसके बाद मजीद नहीं बनाएगा ये, देखें अभी मजीद नहीं बना रहा क्योंकि इसमें क्रॉसिंग हो रही है, अभी इनकार आ गया, लेकिन यहाँ से इसे बड़ा होता चला जाएगा, ये बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं आप इस तरीके से जितना साइज हमने सेलेक्ट किया था। सो इस तरीके से हम लेंथन पे काम कर सकते हैं। आई विश कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, अल्लाह हाफिज़।